Sen, bu sen. और भारत माता की yeah! आज इस वीडियो में आपके एक दो कमेंट आते हैं, एक दो बच्चे यहाँ भी आ गए जिनको ऐसी समस्याएं रहती है जो आर्मी में कतई बर्दाश्त नहीं है, या फिर यूं कह सकते हो कि नहीं चलेगी। समझ में आ गई? तो सबसे बड़ी है, पहली बात तो ये कि आप आर्मी की तैयारी करने जा रहे हो या किसी एकेडमी में जा रहे हो, तो सबसे पहले अपनी दोनों आंखें और दोनों कान अच्छे से चेक करवा लो। आंखों में अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका सिलेक्शन है, चाहे आप कुछ भी लगा लो, जैसे आप फोन करते हो और जैसे कि हम ये करवा ले वो करवा ले, तुम चाहे ऐसी तैसी करवा लो, तुम भर्ती नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। और एकेडमियों में जाके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कहीं पटवारी की तैयारी कर लो, सही है। दूसरा, कान के पर्दे में व्हाइट दाग है तो आप बिल्कुल भी भर्ती नहीं हो पाओगे, क्या नहीं हो पाओगे? चंद्राकार दिखाई देता है व्हाइट दाग, या कान में छेद है, रस्सी निकलती है, मवाद आती है कई बार, सुई लगा के रखते हैं, तो आप भर्ती नहीं होंगे। दूसरा, आपके मुंह में तीन उंगली नहीं जा रही, क्या नहीं जा रही? तीन उंगलियां अगर आपके मुंह में नहीं जा रही है तो आप भर्ती नहीं होंगे। पहले एक्सरसाइज करके और अपने मुंह को खोलो, हो गया क्लियर? बात रही हाथ और पैरों की, तो सबसे पहले चेक करें, हाथ सामने कर, दोनों हाथ सामने हो रहे हैं, इनको यहाँ से पकड़ के देखो, अगर ये दोनों चीजें आपस में टच हो गई, बिल्कुल टच हो रही है, ऐसे ऐसे एल नहीं पड़ रहा ऐसे आके पंखुड़ियों जैसा, तो वो गलती तुम्हारी नहीं है, वो जन्म जात है, तो उन बंदों का भी सिलेक्शन आर्मी में नहीं होगा। कोई कहता है कि मैं करवा दूंगा, मैं रेफर तुड़वा दूंगा, तो साले का खानदान देखो, खानदान में कोई आर्मी में भी लगा है उसके, सही है रे? कोई कहता है मैं हाइट बढ़वा दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, घंटा नहीं बढ़ती हाइट, हाइट किस पे डिपेंड करती है? मम्मी पापा पे, अपने बुजुर्गों की जो हाइट बढ़ती आ रही है वही सिस्टम है। हाँ, अगर बचपन में कुछ चीजें हैं देसी वो खा ले तो जरूर बढ़ सकती है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, पैर आपकी ये उंगलियां टेढ़ी है, उंगली हाथ की उंगली जानते हो, जिसकी उंगली इतनी टेढ़ी है वो भी सिलेक्ट, क्योंकि जब स्लूट मारते तो एक उंगली साली अलग ही दिखाई दे रही है, जैसे नशे में हो, डाउन हो गई हो, सही है, तो वो भर्ती। हाथ में अगर पांच की जगह छह उंगलियां है तो वो भी भर्ती नहीं होगा, उसका बेस्ट ऑप्शन है ऑपरेशन करवा लो, जो गड़बड़ उंगली लगी हुई है, सही है। एक, आपके आंखों के जो कोए हैं वो पूरे प्रॉपर घूमने चाहिए, क्या होने चाहिए? मेडिकल का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख लेना, ए टू जेड पार्ट बताया गया है। कोई कहता है तुम्हारा एक्सरे होगा वो होगा, एक्सरे वेक्सरे कुछ नहीं होगा, आर्मी में इंटरनली एक्सरे वेक्सरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब आपके छाती के बीच में अगर गड्ढा है तब भी आप भर्ती नहीं होंगे। अब कोई चूतिया कमेंट मत करना, आप डिमोटिवेट मत, देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, तो मैं एक रास्ता बता रहा हूँ कि तुम है ना ये आर्मी की तैयारी छोड़ के और दूसरी फील्ड में अपना करियर इसके पीछे बर्बाद मत कर देना। दूसरा, आपके ग्रेस है 33 नंबर नहीं है टेंथ में, तब भी भर्ती नहीं हो पाओगे। और बात रही है कि आर्मी का जुनून है, 23 साल तक तो तुमने मजे कर लिए, कभी दौड़ करी कभी कट मार लिया, और फिर भी चाहते हो कि भर्ती होना है, रेस अच्छी है, तो आपके पास ऑप्शन है टीए का, कौन सा है? अब ये नजर आ गया, अब नोकनी प्रॉब्लम है तो नोकनी हद से ज्यादा है तब उसका कोई इलाज नहीं है, और नॉर्मल है तो जैसे पैर चिपका, जैसे इतना है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिट है, इसको नोकनी नहीं है, पैर चिपका ये फिट है, लेकिन आपके आपस में इधर जा रहे हैं, चल भी ऐसे रहे हो ऐसे करके, तो उसका कोई समाधान नहीं है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपकी रेस, क्या है? रेस। तो रेस परफेक्ट होगी तभी लग पाओगे। भर्ती के एक महीने पहले आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ ऐसी तैसी करवाने चार चार तीन तीन महीने से, सही है रे? और तुम चाहते हो कि तुम एक महीने में इनको क्रॉस कर दोगे, घंटा नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे रे? अभी जितने बच्चे के एक्सीलेंट मार रहे तुम भी मारोगे, अभी बुधवार था तुम्हारी ऐसी तैसी हुई नहीं हुई, मम्मी पापा सब याद आ गए, लेकिन पता है 60 नंबर चाहिए कितने और 40 नंबर किसके चाहिए, टोटल कितने हो गए? तो 100 के 100 ही चाहिए, 48 वाले की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा, तुम यहाँ पे 10 से 15 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद में अगर तुमने कट मार लिया तो बैग उठा के क्या किया जाएगा, एकेडमी से फ्रिको को उठा के बाहर फेंक देगा, बैचो जैसे चूतिया मत जाना,
सही है रे? यस सर। बच्चों यहाँ के मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, खुद का टाइम खराब कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे चूतियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे आने की। दस से पंद्रह दिन आपको छूट है, चाहे आपका दस मिनट आता हो, यहाँ पे है दस मिनट वाले भी, और दस भी नहीं आती कहेगी तो तीन चक्कर। आपको पंद्रह दिन तक छूट है, लेकिन कम से कम यहाँ आ रहे हो तो जो आपसे करवाया जा रहा है वो तो दस से पंद्रह दिन की छूट है। सोलहवें दिन गांठ पे सटीर पड़ेंगे, सीधी बात, नो बकवास। सही है, लट टूट भी जाता है, मास्टर को पड़ी टूट गई, क्योंकि मास्टर का पींदा खाते खाते मजबूत हो गया, और उसमें जैसे ही लट पड़ा लट टूट गया। आ गया समझ में? और दांतों में कोई समस्या है तो दांत अपने जो है डॉक्टर से क्या करवा ले, सही करवा ले। किसी का टूटा हुआ है तब भी चलेगा, लेकिन दांतों का जो है आप पूरी बत्ती सी लगवा के रखे, चाहे डुप्लीकेट हो। सही है। दूसरा, आपसे बोला नहीं जा रहा है, हकला रहे हो तो अपनी जीभ चेक कर ले। जीभ के नीचे क्या होता है, मांस बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। दो को कट लगवाए थे, एक एग्जाम्पल वो नमो नारायण, नारायण कराओ। अब जीभ कैसी है? अब आवाज भी सही आ रही है, कंप्लीट सही आने लग गई, जिंदगी सुधर गई, नहीं तो ताई तलो हो। कहे इतना नहीं बोलता था, थोड़ा थोड़ा कमाई आती थी, अभी इसका मामला सेट हो गया, छोटी सी मिस्टेक थी। तो जीभ यहाँ से चिपकी हुई रहती है, उसमें थोड़ा कट लगवा ले, और कोई तकलीफ हुई कट लगवाने में? खर्चा कितना आया? 400 रुपए। कितने आया? 400 रुपए में इलाज हो गया। बढ़िया, अब बढ़िया काम जच गया। बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो थोड़े मोटी रकम वसूली जाएगी, 5,000 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है। कोई दवाई वाई दी तुझे क्या? टेबलेट दी थी गाँव भरने की, और कुछ दी? लंबा छोटा बिल बनाया एक बार में, मामला सही 400 में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका थोड़ा सा ख्याल रखें, और आप काने हो तब भी भर्ती नहीं हो सकते। अरे कॉल आते हैं कि कोई ऑप्शन में पत्थर की डलवा लूंगा। अभी जैसे फोन आ रहा था कि मेरी उम्र में कितने दिन कम है, 4 दिन कम है। तो भूफड़ी को तुम अपना दिमाग कहां से लगा रहे हो कि हम ऐसे कर ले वैसे कर ले, तुम्हारे बाप का राज है ऐसे कर ले वैसे कर ले। फॉर्म नहीं लेगा तो नहीं लेगा। तेरे कितने दिन थे पिछली बार? 14 दिन। 14 दिन हुआ सबमिट, और फर्जी फॉर्म भर दिया तुमने कि एक बार एक्सपीरियंस के देख लिए देख लेते हैं। तो बेटा वो लास्ट भर्ती होगी एक्सपीरियंस वाली। सही है। तो ये आधार कार्ड लग गया, तुमने उम्र में थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर लिया, तो जिंदगी भर रोते फिरोगे, भर्ती नहीं हो पाओगे। सही है। लेटेस्ट एग्जाम्पल वो रहा अपना दुबे जी। एक बार डेट ऑफ बर्थ बेटा सेट हो गई तो फिर सेट ही हो गई, ये समझ लो। और तुम्हें कमेंट में बकचोदी करनी है तो करते रहो, मुझे भी पढ़ने में मजा आता है। तो भारत माता की जय।